ऐसी ऐसी बातें करने वाले बातें करते हैं, इतने पैसे हैं हमारे पास, सात पुश्ते खाएं तो खत्म नहीं होगा। अरे भूले तुम्हारी, सेकंडों में चला जा सकता है, हैं? 40 सेकंड लगे तुर्किया पहुंचा, हमारी मौजूदगी में भी जल्दी आ रहे थे। यानी मैंने अपनी आंखों से देखा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, आलीशान बिल्डिंगें, लग्जरी फ्लैट्स, करोड़ों रुपए के वो फ्लैट्स होंगे। बिल्डिंग बता देती है ना कैसा फ्लैट, इलाका बता देता है। घर मौजूद है और लोग जमीन पे पड़े हुए हैं, हिम्मत नहीं हो रही बिल्डिंग में जाने के लिए, क्योंकि हर एक दो मिनट बाद एक बिल्डिंग गिर रही थी। थोड़ा सा जलजला आता एक और गिर जाती, थोड़ा सा आता एक और गिर जाती, क्रैक सब में पड़ चुके थे। तो 40 सेकंड के अंदर सात पुश्तों तक खाएंगी तुम्हारी औलाद, भूल है तुम्हारी। रब चाहे ना तो सेकंडों में मालदार गरीब हो सकता है, जकात देने वाला जकात लेने वाला बन सकता है, सेहतमंद मोहताज हो सकता है, पैर टूट गए, हाथ टूट गए, हड्डियां टूट गई, जिंदा लोग दुनिया से चले गए, मेरा है, मैंने कमाया है, मेरी मेहनत है, मैंने इतनी बिल्डिंगें बना ली, मैंने इतने पैसे बना लिए, अरे कुछ मैंने नहीं किया है, ये सब मेरे अल्लाह ने दिया है, सब मेरे मालिक का एहसान है। मैं भी भीख मांगने वाला हो सकता था, मैं भी रोड पर सोने वाला हो सकता था, मैं भी जनाब फटे पुराने कपड़े पहनकर बाजारों में घूमने वाला हो सकता था, अगर आज सवारी दी है तो रब ने दी है, आज घर दिया है तो रब ने दिया है, आज औलाद दी है तो रब ने दी है। अरे इन बेचारे गरीबों की तो शादियां भी नहीं होती हैं। आज मेरे और आपके पास फैमिली है ना, बीवी है, बच्चे हैं, शुक्र अदा करो, क्योंकि रब ने इज्जत दी तो शादी हुई ना, यही ना होती तो कैसे कर रिश्ता होता। कई गरीब है बेचारे, रोडों पे सोते हैं, खाने को कुछ नहीं, कचरा उठाते हैं, कौन शादी करता है उनसे, फैमिली भी नहीं बन पाती उनकी। तो मैंने ऐसा क्या कमाल किया कि अल्लाह ने मुझे इतना कुछ दे दिया और फिर भी मैं शिकवा करूं, फिर भी मैं शिकायत करूं, फिर भी मैं कहूं कि मेरे पास कुछ नहीं, मैं पीछे रह गया। कभी शिकवा ना करना और कभी इतराना नहीं, जो दिया है रब ने दिया है, मेरा कुछ नहीं है, अल्लाह ने दिया, ये जहन बना लो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों।